इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर कंट्री है, लेकिन आज तक हम लोग देखा है ये इंडिया 1947 से इंडिया एक फ्री हुआ है, लेकिन आज तक इंडिया फ्री नहीं हुआ क्योंकि इंडिया में इलीगली माइग्रेंट्स घुसपैठिया लोग टेररिस्ट काम करके पूरी इंडिया को ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो हम त्रिपुरा से आ रही हो, त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट में प्रेसिडेंट और फाउंडर पतल करना जमातिया 2014 से हम लोग के टीपीए फाउंड किया है, क्योंकि इलीगली माइग्रेंट सारे देश में बोरे बोरे बोरने के लिए जा रही है। तो त्रिपुरा में 81% इलीगली माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेशी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एवरीथिंग राइट्स ऑक्युपाइड बाय इलीगल बांग्लादेशी एंड चीफ मिनिस्टर आल्सो इलीगल बांग्लादेशी। तो एनडीए गवर्नमेंट एंड यूपीए गवर्नमेंट जितने भी इंडिया का गवर्नमेंट आए हैं, लेकिन आज तक तो कोई गवर्नमेंट त्रिपुरा को सेफ नहीं किया, इसलिए आज हम लोग एक्सटेंशन में है, पूरी तरफ से हम लोग खूना जा रही है। जब इंडिया का साथ हम लोग मार्च हुआ था 1949 अक्टूबर से आज तक तो हम लोग विदेशी रूल का अंदर में हम लोग जी रहा है। तो इसलिए हम लोग जहाँ त्रिपुरा स्वतंत्र सा राज्य है 45 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया का सर हम लोग जोड़ने के टाइम में हम लोग 93% है मेजोरिटी, अभी ओनली 20% बोले बिलो 19% हो चुका है, मतलब एक्सटेंशन में है। तो इंडिया गवर्नमेंट का हम लोग डिमांड कर रहा है जितना भी इलीगली माइग्रेंट्स त्रिपुरा में घुस भी दिए है और रोल कर रहा है, वो लोग को आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट ऑल इलीगल बांग्लादेशी फ्रॉम त्रिपुरा इंडिया। और एनआरसी हम लोग केस चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, तो एनआरसी अपडेटिंग एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 1948 और 325 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है वहाँ पे कोई इलीगल वोटर्स वोट एंटरटेन नहीं कर पाती है, वहाँ पे जेन्युइन इंडियन सिटीजन वोटर लिस्ट में रहना चाहिए, जेन्युइन इंडियन कैंडिडेट होना पड़ता है, लेकिन त्रिपुरा में वोटर भी इलीगल भी है, वोटर इलीगल है और कैंडिडेट भी इलीगल है। मैडम जी आपकी मांगे नहीं सुनी गई तो अगले कदम क्या होंगे आपके? अगला कार्यक्रम हम लोग समय ही बता देगा, हम लोग बहुत बड़ा स्टेप हम लोग ले रही है, यूनाइटेड नेशन में भी हम लोग एक केस के ले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस है, हम लोग उम्मीद करता है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देगा हम लोग को, इंडिया गवर्नमेंट जस्टिस नहीं दिया लेकिन हम लोग कोर्ट के ऊपर भी विश्वास है, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ओवरऑल स्टेट को बसने के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर हम लोग को जस्टिस देगा, हम लोग वेट कर रहा है जब तक नहीं एनआरसी इम्प्लीमेंट नहीं होता है 1948 के मुताबिक से इस बार